आज 40 साल से मैं तुझे सींच रही हूँ सागर में। आज मेरा 62वां जन्मदिन है। हाथ जोड़कर प्रार्थना है माँ, शांति निकेतन की शांति बनाए रखना, मेरे बच्चों को सुखी रखना माँ, बच्चों को सुखी रखना, बच्चों को सुखी रखना। बा, बा, मेरे बच्चे आज मुझे जन्मदिन की बधाई देने के लिए उतावले हो रहे हैं। अच्छा अम्मा, आशीर्वाद दे अम्मा, सुख शांति बना रखना अम्मा। आई, आ रही हूँ। सौभाग्यवती बाबा, ठीक है, ये तो मैं अपने आप को आशीर्वाद दे रहा हूं। पुत्रवती बाबा, पुत्रवती तो तुम हो, अपने 3 दिन है ना। लेकिन अम्मा एक बात तो कहे, आज ये अपना कार्यक्रम कैसे बदल डाला भाई, हमेशा तो प्रसाद और नमन के बाद सीधी रसोई में घुस जाती हो, आज ये चरण स्पर्श किस लिए भाई। सुनिए, आज मैं भी आपके साथ मॉर्निंग वॉक के लिए चलूंगी। तो चलो भाई, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा वॉक वॉक कर लिया करो, वजन कुछ कम हो जाएगा। लेकिन तुम्हें इस परिवार के मोह माया से फुर्सती कहाँ। बा, ओ बा, लो, हो गई तुम्हारी पुकार शुरू, चलो मैं चलता हूँ भाई वॉक के लिए। लेकिन सुनिए। सुनाइए। वो आपको याद है ना, आज 25 तारीख है। 25 तारीख है तो वो कुछ, वो आज आप वॉक लेके जल्दी आ जाना। ये थे रोज का कमार है अम्मा, जल्दी आ जाना और देर से। अच्छा बाबा, अच्छा आता आता। तुम्हें चाहिए नहीं याद हो, मेरे बच्चों को जरूर याद होगा। होगा, आज फिर मुझे लेट होगा देखना कॉलेज में। पता नहीं वहाँ कहाँ रह गई है, उन्हें याद है कि आज 25 तारीख है। फिर भी आज बा नहीं है तो मुझे नाश्ता भी नहीं मिल रहा, और मुझे इतनी जोरों से भूख लगी है। पता नहीं बा कहाँ चली गई है। सुहासी, आज नाश्ता तुम क्यों नहीं बनाती। Yeah, good idea. मैं नाश्ता बनाऊंगी इस समय। हाँ? You mean, मैं नाश्ता बनाऊंगी तुम्हारे लिए। हाँ? You are an idiot. 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 You just shut up. You shut up. बाबा भी आती होगी, और वैसे भी चिराग, अगर सुहासी नाश्ता बनाने के लिए किचन में घुस गई तो वे नाश्ता तब जाके तैयार होगा जब लंच टाइम हो चुका होगा। जय श्री कृष्ण बच्चों, जय श्री। बाप कहाँ चली गई थी, आज आप ठीक 3.5 मिनट लेट हैं। आपको याद है ना आज 25 तारीख है। तुम आज की तारीख याद है। हाँ, आज की तारीख कैसे भूल सकती हूँ, आज की तारीख मेरी कॉलेज में रोज जीजो है। बा, बा, आज गुड़ पापड़ी बनाओ ना बा। गुड़ पापड़ी किस लिए बेटे। बस बा, आज गुड़ पापड़ी खाने का दिल हो रहा है, as such nothing special, वैसे ही दिल कर रहा है, क्यों। ये लो। बा, ओ बा। हाँ आई बेटे आई, अच्छा मैं भी आती हूँ। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे
सजना के लिए। अरे सविता, तुम्हारी ये सजने की उम्र खत्म हो गई है अब। मत बोलो कि तुम मेहर और किरण जैसे दो जवान बच्चों की माँ हो। बार बार मेरी उम्र याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मनसुख बा, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ, आज ही के दिन तुम गायब हो गई। बताओ क्या है आज के दिन? अरे ये देखो, मेरी आस्तीन का बटन टूट गया है, जल्दी से इसे टांग दो, आज मेरी एजीएम के साथ मीटिंग है, चलो जल्दी करो। अच्छा अच्छा। जय श्री कृष्ण बाबा। जय श्री कृष्ण। नहीं मैं टांग देती हूँ। अच्छा आप जरा चाय बनाइए ना, प्लीज प्लीज। अच्छा आप यहाँ चलिए, जल्दी करो। मेरे बड़े बेटे को मेरी बर्थडे याद नहीं, उसे तो हिम्मत और दक्षा को याद होगा। क्या बात है भैया, आज आपकी सुबह भी जल्दी हो गई। तो बात ये हुई है जमुना के। जमुना मत कहो भैया, कितनी बार कहा है, किसी बूढ़े का नाम लगता है। जमुना दास। ओके नहीं, जेडी, सिर्फ जेडी, स्वीट एंड शॉर्ट जेडी। भैया जेडी में पावर है, स्टाइल है, एनर्जी है, एंड आई एम स्टिल यंग। जेडी किसी माफिया डॉन का नाम लगता है, गोवर्धन वीरानी जैसे बड़े इंडस्ट्रिस्ट के सबसे छोटे बेटे का नाम तो बिल्कुल नहीं लगता। और हाँ, अगर तुम अपने आप को बूढ़ा नहीं मानते ना, तो अपने दोनों बच्चों को याद रखो और अपने सर से गिरते हुए बालों को गिनना शुरू कर दो बस। दक्षा चाय लाओ ना भाई। अरे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे आज बच्चे बिना नाश्ते के भी चले गए? अरे बच्चों की फिक्र मत करो बा, वो तो कैंटीन में भी कर लेंगे, उनको तगड़ा पॉकेट मनी जो मिलता है। क्यों बा, दक्षा से बोलो ना चाय लेकर आए। हाँ अभी कहती हूँ। रा, क्यों दौड़ा दौड़ी कर रही हो है? ये टी शर्ट अभी ये भांगी ने भूखा हो जाता ना, तो सविता दीदी मेरे में राड़ा राड़ करती। आप भी है ना, इधर उधर उधर इधर करती रहती हो। हमारे जूनागढ़ में आपकी उम्र की औरत है ना, ईश्वर भजन में लगी रहती है। क्या बात है भाभी, आज बा का काम आप खुद कर रही हो, कोई खास बात है क्या? आज का दिन खास है भाई। आज क्या खास बात है? आज 25 तारीख है। हाँ, और हमारे बेडरूम में जो कैलेंडर लगा हुआ है ना, उसमें 25 तारीख पे बड़ा सा सर्कल लगा रखा है तुम्हारी भाभी। अच्छा दक्षा, तुम्हें आज की तारीख याद है? अरे आज की तारीख कैसे भूल सकती हूँ मैं, आज अक्षय खन्ना की फिल्म की रिलीज है। और मुझसे वादा ले रखा है लास्ट शो में ले जाने का। भाभी आप और आपका फिल्मी चक्कर। अरे ये तो कुछ भी नहीं, हमारे जूनागढ़ में ना एक महीने में मैं 10-10 पिक्चर देखती थी। यहाँ पे बहुत कम हो गया, 9 पिक्चर ही देखती हूँ। जमुना भाई कहाँ है, मेरी देवरानी गायत्री कहाँ है? आए अपने कमरे में, कमर तोड़ रही है। मतलब कमर तोड़ एक्सरसाइज चल रही है। चाय पीने का? नहीं। नाश्ता कर लो। अरे बाप, आप क्यों लाई है? ये धनु कहाँ है? मैंने सोचा आज मैं ही तुम्हारे लिए नाश्ता ले चलती हूँ। क्यों, आज कोई खास दिन है क्या? नहीं ऐसे ही। अच्छा आप पकोड़े लाए हैं, लेकिन मैं पकोड़ा खा नहीं सकती, बेसन से मुझे एसिडिटी होती है ना, और आज महीने की 25 तारीख है ना? तो एक्चुअली अगले महीने की 25 तारीख तक मुझे 4 किलो वजन कम करना है, इसलिए मैं खा नहीं सकती। लेकिन बा थैंक यू। हाँ
जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे उसकी याददाश्त भी कम होने लगती है। क्यों क्यों? कुछ नहीं, तुम अखबार पढ़ो, मैं जाकर अपनी मशीन पे बैठती हूँ। कैसे भूल सकता था, इसीलिए आज सवेरे सवेरे उठ के गया इमली और मिर्ची देने के लिए। अरे साल में एक ही दिन तो खाने देता हूँ तुझे, बाकी तो तेरे जोड़ों का दर्द भी खा ठीक रहता है। बस अब ये मत कहना कि साड़ी दी थी, 10 साल पहले जो साड़ियाँ दी थी अब तक पहन रही, और अब जो साड़ियाँ दूंगा तो अपने 10 साल तक पहनती रहेगी। शक्ति पूर्ति की बधाई, शक्ति मुबारक, स्वीट 60 ईयर ओल्ड ब्यूटी क्वीन। पहले रुला दिया तुमने और सबने, मेरी बर्थडे किसी को भी याद नहीं थी। अरे मुझे याद है ना। नहीं, एक और भी है जिसे मेरी बर्थडे जरूर याद होगी। बड़ी चाची, मझली चाची, छोटी चाची, गुड मॉर्निंग। बा बापूजी, जय श्री कृष्ण। तुलसी आई है सबकी चीजें लेकर। अरे तुलसी, हैप्पी बर्थडे बा। आज के दिन भी आप रो रही हैं? ये खुशी के आंसू है, श्रद्धा और विश्वास के आंसू है। मुझे पता था किसी और को याद हो ना हो, मेरी तुलसी को मेरा जन्मदिन जरूर याद रहेगा। क्या बा, इतने सालों में मैं आपका जन्मदिन भूली हूँ जो आज भूल जाऊंगी? अरे मुझे तो यहाँ तक याद है कि आपके हर एक जन्मदिन पर आप मेरी हथेली पर 10 पैसे रखती थी। ना ही आज के मेरे 10 पैसे। पगली, वो तो म्यूजियम में देखने को मिलेंगे। बा। अरे हाँ, तेरी आवाज तो कब से आ रही थी, पर इतनी देर तू कहाँ थी? वो मैं चाचियों को उनकी चीजें दे रही थी कमरे में। तो सबका काम क्यों करती है, घर में इतने नौकर चाकर हैं, फिर तुझे काम करने की क्या जरूरत है? अपना जो समझते हैं मुझे। ऐसा तू समझती है? नहीं बा, इस घर से भले ही मेरा खून का रिश्ता ना हो लेकिन मुझे तो सब अपने से लगते हैं, और बाबा कहते हैं किसी का कोई भी काम करने से आदमी छोटा नहीं होता। अच्छा अच्छा, देख तो खाना खा कर जाना। अरे नहीं बा, अभी तो मैं मंदिर से ठाकुर जी की सेवा करके आई हूँ। आपको पता है ना, मैं और बाबा ठाकुर जी को बिना भोग लगाए नहीं खाते। क्या हो रहा है? बाबूजी, आपका बाम लेकर आई हूँ, शाम को लगा दो। अरे वाह वाह, जी दिल है। आप बैठिए, मैं देख के आती हूँ। देखा पंडित जी ने बिना माँ की बच्ची को कैसे अच्छे संस्कार दिए हैं। सब ईश्वर की दया है, सब ईश्वर की दया। अमेरिका से मिहिर ने पार्सल भेजा है। क्या बात करते हैं, अमेरिका से आया पार्सल? मिहिर ने जरूर मेरे लिए लेटेस्ट हेयर ड्रायर भेजा होगा, उसे पता है ना मम्मी की पसंद। अरे अपनी चाची के लिए उसने वहाँ की इंग्लिश फिल्मों की VCD भेजी होगी। वो कौन है? वो जिम कैरी और सीन किन्नरी की होगी। भाभी, जिम कैरी और शॉन कॉनरी? अभी वही, अभी अब खोलो ना, पता चल जाएगा। खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी ओपन इट। इसमें जरूर होगा। इसमें होगी। भारी है, भारी। तो फिर बोलता है, बहुत तारीख का सेट्स हो गया मेरे लिए। ओहो, और एक है। ओहो, इसके अंदर और एक है। अच्छा मजा किया। इसके अंदर मेरे ख्याल से जरूर होगा।
छोटे गिफ्ट मेरे लिए नहीं हो सकती। मेरे लिए भी कुछ नहीं होगा। अरे सीटी Happy birthday, darling ba. सत्तर साल की हो गई ना माई डार्लिंग बा। पगली 61 साल की। हाँ भाई हाँ, औरतें कभी अपनी उम्र सही बताती हैं क्या? बा, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। मैं भी बहुत याद करती हूँ। जानता हूँ बा, इस वक्त आपका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा होगा।